Hello students, myself Rajendra Verma, team chemistry. Students, आपने साल भर में अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, अपने हर डाउट को समय रहते रिजॉल्व किया है आपने. अब समय है आपके द्वारा की गई मेहनत को जांचने का, परखने का. और इसीलिए आपकी अपनी सीएलसी आपके लिए लेके आई है डायमंड टेस्ट सीरीज. इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको 15 टेस्ट करवाए जाएंगे. ये टेस्ट सीरीज 30 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगी. इन सभी टेस्ट के माध्यम से आप अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को, कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि कहीं किसी तरह की कोई छोटी मोटी कमी तो नहीं रह गई है. अगर किसी तरह की कोई कमी आपको इस दौरान मिलती है तो आप समय रहते उस कमी को अच्छे से दूर कर लेंगे, जिससे 7 मई को होने वाले एग्जाम में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा. इस टेस्ट में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. करें शुरू बेटा. क्वेश्चन नंबर 151 से. करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 4-bromo-3-methyl-but-1-ene. 4-bromo-3-methyl-but-1-ene की सही संरचना आपसे पूछी गई है. एक एक करके हम देख लेते हैं इसको. वन टू थ्री. 1-bromo-2-methyl-propene जो इससे मैच नहीं करती, आंसर नहीं होगा आपका. सेकंड की बात करें, 1-2-3-4. 4-bromo-2-methyl और यहां है 4-bromo-3-methyl. यहां 2-methyl दिया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपके पास. थर्ड की बात करें, 1-2-3-4. 4-bromo-3-methyl. 4-bromo-3-methyl but-1-ene. तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पैरेंट कार्बन चेन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड. मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, हमें यह पता करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं. तो पैरेंट कार्बन चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस कंपल्सरी है, 1-2. उसके बाद डबल बॉन्ड भी कंपल्सरी है, 3-4-5. तो आपके पास पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन सिलेक्ट हुए बेटा? 5. तो आंसर क्या आया आपके पास? फर्स्ट. बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट 153. द आईयूपीएसी नेम आपसे पूछा है, आईयूपीएसी नाम पूछा है बेटा आपसे. ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा नंबरिंग. और 1-2-3-4-5-6-7-8 लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्ट करके हम उसमें नंबरिंग कंप्लीट कर देते हैं. अब आप देखें, नंबर 3 पर मिथाइल अटैच है, नंबर 4 पर इथाइल अटैच है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इथाइल पहले रहेगा. तो आपके पास आएगा 4-ethyl
थ्री मिथाइल एट कार्बन है ऑक्टेन, फोर इथाइल थ्री मिथाइल ऑक्टेन, तो आपका आंसर क्या आया बेटा इसमें, फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है 154 आईयूपीएसी नेम, इसमें भी आपसे आईयूपीएसी नाम पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू मेन फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद हम उसमें नंबरिंग करेंगे। तो आपका जो पेरेंट कार्बन चेन है वो यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, तो इसमें ये ग्रुप है आपके पास इथाइल, 2 इथाइल ब्यूट 2 ईन 1 ओइक एसिड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इथाइल 2 ब्यूटिनोइक एसिड। तो अब आप देखें आपके पास कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा, क्या रहेगा आंसर आपके पास, थर्ड। ठीक है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फिर आपके पास एक आईयूपीएसी नेम है 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग कर ली मैंने, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन, ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन, तो आपके पास आंसर आ गया थर्ड। ठीक है बेटा थर्ड आंसर आया। यहां पर आपको दो स्ट्रक्चर दी हुई हैं और आपसे पूछा है कि जो ए और बी है वो किस प्रकार के रिलेशन में है। अब देखें आपसे आइसोमेरिक रिलेशन पूछा हुआ है, तो आइसोमेरिक रिलेशन में आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3, तो दोनों कंपाउंड को अगर हम कंपेयर करें तो पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट आ रही है, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पेरेंट कार्बन चेन में डिफरेंस मिलता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स, श्रृंखला समावयवी कहते हैं बेटा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, पेरेंट कार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा है। ठीक, C5H10 के लिए कुल कितने चक्रीय संरचनात्मक समावयवी, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H10, साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करनी है, ओपन स्ट्रक्चर की बात हमें नहीं करनी है C5H10। तो आपके पास इस तरह से साइकिल्स मिल सकती हैं, ये देखें ये लो बेटा 5 मेंबर्ड साइकिल, 4 मेंबर्ड साइकिल और 3 मेंबर्ड साइकिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए आपके पास, 5 होने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे बेटा। ठीक है, यौगिकों के मध्य क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये दोनों आपस में किस तरह के रिलेशन में है ये चेक करना है। तो दोनों आप देख पा रहे हैं दोनों किस क्या है, दोनों आपस में, ये दोनों कंपाउंड्स आपस में जीआई हैं बेटा, क्या है दोनों, जीआई हैं, ये ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है, ये सिस फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो जीआई होता है वो क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स,
और आप इनको क्या कह सकते हैं, सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। तो आप इनको जीआई कह सकते हैं, आप इनको स्टीरियो आइसोमर्स कह सकते हैं, आप इनको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर भी कह सकते हैं, तीनों इसके लिए सही वर्ड हैं। अब आप देखें आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशनल विन्यासी, कॉन्फ़िगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल नहीं है, संरूपण नहीं है ये, प्रकाशिक ऑप्टिकल नहीं है ये, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल नहीं है बेटा ये। तो आंसर क्या गया बेटा आपका, कॉन्फ़िगरेशनल। पॉइंट समझ में आया, ये दोनों जीआई हैं, दोनों जीआई हैं, तो आप इनको स्टीरियो आइसोमर भी कह सकते हैं, और जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो किस टाइप के हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, ऑप्टिकल भी किस में आता है, कॉन्फ़िगरेशन में आता है, और ज्योमेट्रिकल भी किस में आता है, कॉन्फ़िगरेशन में आता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, C5H11Cl, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल C5H11Cl। तो ये तो डायरेक्ट आंसर इसके अंदर अगर अपन बनाएंगे तो 8 स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगी। क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी आपके पास, 8। ये तो सीधा जो है स्टूडेंट को इस लेवल पर आकर के इनको याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे अपने पास अगर C1 है तो एक स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास, C2 है तो भी एक स्ट्रक्चर, आपको एल्काइल ग्रुप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एल्काइल ग्रुप की बात हो रही है। C3 है तो आपके पास यहां दो स्ट्रक्चर बननी चाहिए, C4 है तो आपके पास कितनी स्ट्रक्चर बननी चाहिए, यहां पर 4 स्ट्रक्चर बननी चाहिए, C5 है तो कितनी स्ट्रक्चर बननी चाहिए, 8 स्ट्रक्चर बनने चाहिए। ये डेटा आपको यहां पर इस लेवल पर आकर के आपको अच्छे से याद रखना होगा, और ऐसा एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी 11th क्लास में दिया हुआ है C5 को लेकर के, ठीक, बात समझ में आ गई होगी। और किसी को चाहिए तो स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, और स्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम कंज्यूमर, और नीट एग्जाम में आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते बैठ करके। कौन सा अम्ल प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट, ये देखें आप क्या लिखा हुआ, डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये इन शब्दों पर बड़ा ध्यान देना है, डज नॉट, कैन नॉट, ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये कुछ वर्ड हैं जो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर होता है एग्जाम का, तो कुछ क्वेश्चनों में मिस्टेक कर सकते हैं। तो इन शब्द को, इन वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समावयवता, प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता है ये लिखा हुआ है। तो देखें मैलेइक एसिड जो है जीआई शो करेगा, ये तो क्या शो करेगा, ये जीआई शो करेगा। लैक्टिक एसिड की बात करें कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये। टार्ट्रिक एसिड की बात करें बेटा ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और यहां लिखा है प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता है, डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो कौन सा आएगा आपके पास, मैलेइक एसिड, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये ऑप्टिकल नहीं ज्योमेट्रिकल शो करेगा। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C2H4Br2, ठीक है, कंपाउंड सैचुरेटेड है, और किसकी परमिशन दे रहा है C2H4Br2। आप इसमें एक ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप इसमें एक ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है ये दोनों आपस में क्या हैं, स्ट्रक्चरल
आइसोमर्स हैं, संरचनात्मक समावयवी हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, और स्ट्रक्चर में भी किस टाइप के हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चर में भी कौन सा टाइप है, ये पोजीशन, पोजीशन में वेरिएशन हो रहा है बेटा। तो आप देखें आपके पास आंसर क्या आएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 162 आपके पास एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, हम इसको देखें। 4-methyl-pent-2-ene-acryl है, 4-methyl-pent-2-ene इज, ये यहां है बेटा, ये ऐसे है एकाइरेल, ठीक है, 4-methyl-pent-2-ene इज एकाइरेल। तो देखें वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें कहीं कोई काइरल सेंटर नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, अकाइरेल होगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, पहला स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। सेकंड देखें, ए मॉलिक्यूल इज सेट टू बी काइरेल इफ इट इज नॉन सुपर इंपॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, बिल्कुल सही है, एक अणु को किरेल कहा जाता है यदि वह अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। तो यह स्टेटमेंट भी कैसा है, ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा जी, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्ट्रेन इज प्रेजेंट इन फुली इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। आपके पास अगर मैं यहां पर CH3 लगाता हूं तो ये स्ट्रक्चर बन जाती है एंटी स्टैगर्ड, ठीक है। एक स्ट्रक्चर अपन यहां बनाते हैं गॉश फॉर्म, ये गॉश फॉर्म है और ये एंटी है। एक स्ट्रक्चर मैं यहां बनाता हूं ये आपके पास है पार्शियल इक्लिप्स्ड, और एक स्ट्रक्चर और बना लेता हूं मैं यहां पर ये स्ट्रक्चर बना दे बेटे, ठीक है, ये है फुली इक्लिप्स्ड। ठीक, अब देखें फुली इक्लिप्स्ड जो स्ट्रक्चर बन रही है, इस फुली इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर में आपको चेक करना है कौन सा स्ट्रेन प्रेजेंट है। नॉर्मल ब्यूटेन में चार तरह की स्ट्रक्चर बनती है, चार कॉन्फर्मेशन हम बनाते हैं, ठीक है, इनमें से आपका क्वेश्चन फुली इक्लिप्स पर है, और फुली इक्लिप्स में चेक करना है क्या एंगल स्ट्रेन आएगा बेटा। यहां पर एंगल स्ट्रेन साइक्लिक स्ट्रक्चर में आता है, ओपन स्ट्रक्चर में नहीं आता है, तो एंगल स्ट्रेन नहीं आएगा। स्टैरिक स्ट्रेन रिपल्शन बिटवीन CH3, बिल्कुल सही है, स्टैरिक स्ट्रेन लगेगा बेटा इसके अंदर, यह सही है। टॉर्जनल स्ट्रेन, बिल्कुल फुली इक्लिप्स जो है आपके पास इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन जो होते हैं उनमें टॉर्जनल स्ट्रेन मैक्सिमम होता है, और स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में टॉर्जनल स्ट्रेन जीरो रहता है, तो यहां पर टॉर्जनल स्ट्रेन भी होगा। तो सेकंड एंड थर्ड आंसर क्या चला जाएगा बेटा आपके पास, फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको एक पेयर दिया हुआ है और इन इस पेयर से रिलेटेड ये पोर्शन अपने को चेक करना है। पहली स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पहली स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है बेटा,
ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। और दूसरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये दूसरी स्ट्रक्चर है, ये दूसरी स्ट्रक्चर है। अब आपको इन दोनों में रिलेशन चेक करना है, क्या ये दोनों एनेंशियोमर है? नहीं, प्रतिबिंब समावे भी नहीं है। डायस्टीरियोमर है? डायस्टीरियोमर भी नहीं है, क्योंकि डायस्टीरियोमर की जो कंडीशन है वो भी फुलफिल नहीं कर रहा है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्या है ये? स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। किसमें चेंज आ रहा है? स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर भी नहीं होंगे। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको इन चारों में से चेक करना है, तो हम देख लेते हैं एक एक करके इनको। ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है। तो आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा कहां पर जीआई आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन में जीआई आ रहा है। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावेशी ही चेक करना था, तो इन चारों में से कौन जीआई शो करेगा? फोर्थ ऑप्शन जीआई शो कर देगा। आपको मैच करना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। देखें, कॉलम फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? सेपरेशन मेथड दिए हुए हैं, और जो कॉलम सेकंड है उसमें एग्जांपल है, यानी कि किस सेपरेशन मेथड को आप यूज करोगे, कौन से कंपाउंड पर, इसको चेक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज गिवन करेक्टली? कौन सा मिलान सही दिया गया है ये चेक करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन साधारण आसवन क्लोरोफॉर्म और एनिलीन पर अप्लाई होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट में सफिशियंट डिफरेंस है, तो आप इनको सेपरेट कर पाएंगे। तो ये करेक्ट दिया हुआ है, ये करेक्ट दिया हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए आप ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल को सेपरेट करने के लिए यूज होता है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, भाप आसवन विधि काम आती है, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड काम आता है। तो ये सही नहीं है मैच। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इस प्रोसेस से ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट ले, बिल्कुल सही दिया हुआ ये। ठीक है। और फोर्थ है क्रोमेटोग्राफी कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। क्रोमेटोग्राफी जनरली जो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के काम आता है। अगर कलर्ड नहीं है तो किसी प्रॉपर जो है सफिशियंट डाई की हेल्प से उनको कलर, या अल्ट्रावायलेट की हेल्प से उनको सेपरेट करने में हेल्प ली जाती है। तो आपके पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आप देखें कहां दिया हुआ है, ये देखो थर्ड आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कॉलम में आपको क्या दिए हैं? सेपरेशन मेथड्स दिए हैं। दूसरी कॉलम में आपको दिए हैं कि उन मेथड्स को आप किनको सेपरेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इनमें से फर्स्ट मैच सही है, सेकंड मैच गलत है, थर्ड मैच सही है और फोर्थ मैच भी सही है। सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को सेपरेट करने के लिए सुटेबल मेथड कौन सा होता है? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड होता है। तो आंसर क्या गया बेटा आपका? थर्ड आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? आंसर थर्ड है। एनिलीन जल का एक मिश्रण है और एनिलीन को सेपरेट करना है। एनिलीन इज सेपरेटेड बाय टेक्निक फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर। एनिलीन और वाटर में से एनिलीन को सेपरेट करने के लिए आपके पास कौन सा मेथड सुटेबल है? अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन विधि से आप इसको सेपरेट कर पाएंगे। ठीक। किसके आकलन के लिए जेल्डोल विधि का उपयोग किया जाए? जेल्डोल मेथड किसके लिए यूज होता है? नाइट्रोजन को चेक करने के लिए। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है उसको एस्टिमेट करने के काम आता है, नाइट्रोजन के लिए।
कार्बन के लिए हम जो है लिविंग मेथड यूज करते हैं, और सल्फर जो है नॉन मेटल, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैरियस मेथड यूज करते हैं। कौन सी स्थिति के अंतर्गत दो वाष्पशील और अमिश्रणीय द्रव को प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध घटकों में अलग किया जा सकता है? टू वॉलेटाइल एंड मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये ध्यान रखना है, इनटू प्योर कंपोनेंट अंडर द कंडीशन। कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसकी हेल्प से आप दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं, देखें तो, और कौन सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि वो जो लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, अगर बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आप उनको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाते हैं। फ्रैक्शनल को यूज तब किया जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। दूसरा, जो आपने लिक्विड मिक्स किए हैं उनसे जो मिक्सचर बन रहा है वो एजियोट्रॉपिक नहीं बनना चाहिए। अगर मिक्सचर एजियोट्रॉपिक बन जाएगा तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई करके उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे वाटर और जल से एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन, आपका वाटर और अल्कोहल जो इथाइल अल्कोहल है उसको मिक्स करें तो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। तो वाटर प्लस इथेनॉल से आप इथेनॉल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 100% प्योर नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखें क्या आंसर आएगा इसमें। दे है लो बॉइलिंग पॉइंट, ये आंसर नहीं हो सकता। द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट से लार्ज, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बोथ लिक्विड्स आर स्टीम वॉलेटाइल, ये भी इसके लिए सुटेबल आंसर नहीं है। दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये इसके लिए सुटेबल आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कंडीशन क्या है बेटा? जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करना है, तो पहली कंडीशन उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, और दूसरी और नेसेसरी कंडीशन है कि जब वो दोनों मिक्स हो रहे हैं तो उनसे बनने वाला मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं मोबाइल और स्टेशनरी फेज को लेकर के। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज भी लिक्विड फॉर्म में होती है और स्टेशनरी फेज भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। मोबाइल फेज सॉल्वेंट होता है और जो स्टेशनरी फेज है वो वाटर लिया जाता है। क्रोमेटोग्राफी पेपर को वाटर में डिप कर दिया जाता है, तो वहां पर आपका मोबाइल फेज भी कैसा हुआ? लिक्विड। और स्टेशनरी फेज भी कैसा हुआ? लिक्विड हुआ। तो दोनों फेज लिक्विड होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास आ रहा है बेटा? बोथ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेजेस आर लिक्विड, दोनों गतिशील और स्थिर प्रावस्थाएं द्रव हैं। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा बेटा। विच इज करेक्ट रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखी है, देखें आप यहां पर क्या ये प्रोडक्ट बना पाएंगे बेटा, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सी होगी? ESR होगी, और ESR में डबल बॉन्ड ब्रेक इस फॉर्म में नहीं होता, ऐसे नहीं होता ना बॉन्ड ब्रेक ESR में। तो यहां जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए था बेटा, इस तरह का। वो तो नहीं बना, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। आपसे करेक्ट पूछा है ना बेटा, सही अभिक्रिया पूछी है, तो ए तो सही नहीं है। बी की बात करें, यूवी लाइट आपको दे रखी है, हाई टेम्परेचर भी आपको दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो आप यहां पर क्या कर पाएंगे? एक एडिशन रिएक्शन कर पाएंगे, और एडिशन रिएक्शन से आपको यहां पर क्या मिल जाएगा बेटा जी? BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिल जाएगा। तो ये आपके पास करेक्ट रिएक्शन है। तो आंसर क्या चला गया आपका? सेकेंड आंसर चला गया। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगी बेटा, ठीक, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा। इसका प्रोडक्ट ये नहीं, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। कौन सी रिएक्शन? ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा। कौन अति संयुग्मन दर्शाता है? विच शो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन है, अगर आपके पास कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए।
फ्री रेडिकल है अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, एल्कीन है अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तो ये कंडीशन फॉलो करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर अल्फा कार्बन sp3 है, यहां पर अल्फा कार्बन sp3 है, अल्फा कार्बन sp3 है, इसमें तो होता ही नहीं है, यहां भी है, तो ए बी सी ई आंसर थर्ड, आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, इन तीनों की स्टेबिलिटी को आप हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कार्ब एनायन के केस में आप हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। तो ए बी सी ई आंसर थर्ड आ गया बेटा। आपसे पूछा है प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, फर्स्ट में C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ NHCS3, यहां पर एक इफेक्टिव रेजोनेंस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। थर्ड की बात करें C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, यहां भी एक इफेक्टिव रेजोनेंस है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ इफेक्टिव रेजोनेंस होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, रेजोनेंस तो है लेकिन इनके रिस्पेक्ट लेस इफेक्टिव है। थर्ड की बात करें, यहां भी रेजोनेंस तो है लेकिन इनके रिस्पेक्टिव यहां लेस इफेक्टिव है, तो आंसर फर्स्ट और थर्ड तो नहीं हो सकता, फर्स्ट थर्ड आंसर नहीं हो सकता बेटा, आंसर सेकंड और फोर्थ में से आएगा। आंसर किसमें से आएगा, सेकंड और फोर्थ में से आंसर आने वाला है। तो यहां दोनों तरफ ये तो रेजोनेंस सेम है, इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ बेटा जी, प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर देगा यहां पर, इंक्रीज कर देगा, तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ आंसर चला जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन सनेही के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन सनेही होना चाहिए, सही नहीं पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोफाइल, देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति इलेक्ट्रॉन सनेही, ये तो करेक्ट है, आपको नॉट करेक्ट ढूंढना है। इलेक्ट्रोफाइल्स ये तो करेक्ट है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुइस एसिड, ये भी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन सनेही लुइस अम्ल होते हैं, करेक्ट है ये तो। All positive charge species are electrophile, ये incorrect है, ये incorrect है, all positive charged species, ये problem कर रहा है बेटा। जैसे CS3 positive electrophile है, लेकिन अगर मैं यहां NH4 positive लिख दूं तो not an electrophile, तो all word हो गया, incorrect हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड SO3 कार्बिन आर इलेक्ट्रोफाइल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो आपसे पूछा इनकरेक्ट, आंसर क्या जाएगा, थर्ड आंसर क्या जाएगा बेटा, इसमें थर्ड, बात समझ में आ रही है, ऑल पॉजिटिव आ गया ना, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा कोई। इलेक्ट्रॉन सनेही प्रतिस्थापन के लिए क्रियाशीलता का क्रम पूछा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ESR की बात कर रहा है ना बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहां पर प्लस M, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां माइनस M, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग डोनर कौन है, प्लस M, तो C B A और D, CBAD, देखिए आप इनमें से CBAD कौन सा ऑप्शन है आपके पास, फोर्थ। ठीक, आपको एक रिएक्शन दी है और आपसे प्रोडक्ट पूछा है, आप देखें यहां पर NaNH2 के साथ रिएक्शन इसकी भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पे जाएगा,
ये सेकंड नंबर पे जाएगा और ये थर्ड नंबर पे, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। फिनॉल जो है वो एल्काइन के रिस्पेक्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं, तो फिनॉल पहले आएंगे। और इसके रिस्पेक्ट यहां पर आपके पास एक माइनस आई ऑपरेट हो रहा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले आपको इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है, उसके बाद आपको यहां से इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है। दो ही हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ये हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2NaNH2। तो आप देखें कौन सा आंसर आएगा, ये सबसे पहले यहां Na, फिर यहां Na, इसमें रिएक्शन नहीं होगी, तो आंसर कैसा लगेगा बेटा, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखो तीनों जगह आ गए, ये दो जगह आ गए, ये यहां होना चाहिए था, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें तीनों जगह आ गए, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें एक ही जगह आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड। जो सबसे मोस्ट एसिडिक होता है सबसे पहले वहां रिएक्शन होती है, सेकंड मोस्ट पर आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं, तो एक एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये प्रोसेस कौन सा है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल आपके पास कौन सा रहता है बेटा, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल रहता है। अब आप देखें, आपको जो कंपाउंड दिया है उसमें रिएक्शन कहां होगी ये देखना है अपने को। पहले तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए इसका माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है और सेकंड स्ट्रक्चर के लिए इसका प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है। तो ये रिएक्शन, ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ, लेस रिएक्टिव, ये कैसा हुआ बेटा, मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव है, तो रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं होगी। अब ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो मेजर प्रोडक्ट कहां से बन जाएगा, पैरा से। तो देखें आप, पैरा पर नाइट्रो ग्रुप कहां अटैच है, पैरा पर नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए, ये रहा सेकंड आंसर। बात समझ में आ गई, फर्स्ट रिंग लेस रिएक्टिव है ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट, सेकंड रिंग मोर रिएक्टिव है ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो मेजर प्रोडक्ट कहां से आ जाएगा, पैरा पोजीशन से आ जाएगा। प्रोपेन का आपको क्या करना है, विषमांश विखंडन करना है, एट्रोलाइटिक फ्यूजन करना है प्रोपेन से। चलो देखते हैं, और आपका आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, इथाइल मिथाइल की फॉर्म में आना चाहिए। तो आप जब हेट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल की तो बात ही खत्म हो जाती है, तो जहां पर फ्री रेडिकल दिया हुआ है वो तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, हेट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल की तो बात ही नहीं होगी। मान लो मैं इसको यहां से ऐसे ट्रांसफर कर रहा हूं तो मुझे आंसर मिलेगा CH3CH2 पॉजिटिव CH3 नेगेटिव। एक और ऑप्शन हो सकता है CH2CH3, यहां पर ऐसा हेट्रोलाइसिस कर दें हम, ऐसा बना ले, दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखो ये भी एनायन बन रहा है, ये भी एनायन बन रहा है, इन दोनों में से कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों की, ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास तो प्लस आई है, ये दोनों कैटायन बन रहे हैं बेटा, इन दोनों कैटायन में से मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, तो इसका मतलब इसके चांस नहीं होंगे, ये इस तरह से बनेगा। तो एक तो बनेगा इथाइल कार्बोकैटायन और एक बनेगा मिथाइल कार्ब एनायन, इथाइल कार्बोकैटायन मिथाइल कार्ब एनायन आंसर आ जाएगा आपके पास थर्ड। ठीक है, आगे चलें, पोलराइजेशन करना है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O, यहां पर जो पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो होगा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में शिफ्ट होंगे, जब इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट होंगे तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव यहां और फिर ये पॉजिटिव यहां, तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आएगा बेटा जी, पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड,
इंडक्टिव इफेक्ट से आप पोलराइजेशन को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए कहां जा रहा है ऐसा पोलराइजेशन, थर्ड आंसर। बात समझ में आ रही है? क्या किया? पोलराइजेशन देखना है तो इंडक्टिव इफेक्ट को यूज कर लो आप। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी, तो यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल, और कार्बन पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। किसके थ्रू शिफ्टिंग होगी? थ्रू सिग्मा बॉन्ड। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन वन ब्रोमो थ्री क्लोरो साइक्लोब्यूटेन? तो आपको यहां पर इस तरह से फ्री रेडिकल मिलेंगे, तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, फोर्थ आंसर। ठीक है, बोर्ड रिएक्शन हो जाएगी। आपको एक रिएक्शन दे रखी है और इसके लिए आपको चेक करना है। एक मिनट बेटा, यहां पर एक गलत प्रिंट हो गया। ये एक्चुअल में एक्वस है ना, आपके आपके पेपर में तो एक्वस लिखा हुआ है ना, एक्वस है बेटा ये। ठीक है, पेपर में से लिखा हुआ आपके। तो आपको क्या करना है, बी आर सी एच टू, सी एच टू बी आर को कन्वर्ट करना है एल्काइन में। इस कन्वर्जन को कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन सा रिएक्शन कंप्लीट करना होगा बेटा? यहां पर ई टू रिएक्शन कंप्लीट करना होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी। तो आपको लेना है यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है? इसमें नंबर वन पर हम इसमें क्या ऐड कर दें? अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। इसे किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा जी? विनाइल ब्रोमाइड में, और विनाइल ब्रोमाइड को एल्काइन में कन्वर्ट कर देगा NaNH2, जो कि सुटेबल होता है। तो अल्कोहलिक KOH और NaNH2 दोनों आपको वन बाय वन यूज करने होंगे। पहले अल्कोहलिक KOH यूज कर दिया, उसके बाद आप NaNH2 यूज कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास? सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें इसमें क्या करेंगे आप। सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन करेंगे। जब इसका प्रोटोनेशन करेंगे तो आपको इस तरह का कार्बोकेटाइन मिलेगा। बात सही है ना? एल्कीन का पहले क्या करेंगे हम? प्रोटोनेशन, एक कार्बोकेटाइन बनाएंगे। इसके बाद मैं यहां क्या करूंगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा। ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम? डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब वाटर ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा। पहले प्रोटोनेशन करेंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर 1-2 मिथाइल हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, एक और कार्बोकेटाइन। इसके रिस्पेक्ट ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, यहां अल्फा हाइड्रोजन कम है, यहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, और इसी से हम क्या करेंगे, मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको इन ऑप्शन में से कहां दिखाई दे रहा है बेटा? थर्ड में। आंसर क्या चला गया आपका? थर्ड आंसर, थर्ड है बेटा आपके पास। ठीक है, 183। सबसे पहले इसमें क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। फिर इसमें अल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे, अल्कोहलिक KOH ऐड जब आप इसमें करेंगे तो E2 एलिमिनेशन प्रोसेस कर दिया आपने। ये A बन गया बेटा आपके पास और ये B बन गया। बात समझ में आएगी, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप क्या कर रहे हैं, इसका ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं जिंक के साथ, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। कैसा ओजोनोलाइसिस है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। आप यहां से इसको रिमूव करेंगे और ऑक्सीजन अटैच कर देंगे, तो आपके पास
कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ। कौन सा दिया बेटा, थर्ड आंसर दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। पहले क्या किया, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, उसके बाद एल्कोहलिक KOH से हमने एलिमिनेशन कर दिया, और फिर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर दिया। आप देखें इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, CH3, CH2, Br and Br, एल्कोहलिक KOH फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं पहले NaNH2। जब आप NaNH2 इसमें ऐड करेंगे तो आपको यहां पर कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, ठीक है, और ये फिर इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस अमोनिया, ठीक है। अब ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है ये A है, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, CH3Br के साथ। कौन सा रिएक्शन कर रहा है, ये SN2 रिएक्शन कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये बना, और इसमें जब आप लिंडलार कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो यहां पर कौन सा एल्कीन बनेगा, सिस एल्कीन बन जाएगा। लिंडलार कैटलिस्ट एल्काइन को किसमें कन्वर्ट करता है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, तो सिस एल्कीन आपके पास आनी चाहिए। सी आपसे पूछा था, और सी क्या आ जाएगा, सिस एल्कीन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो आपको पहले मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, HgSO4 आप इसमें यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे ना बेटा, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो आपको एक इनोल फॉर्म मिलेगा, इसको टोटोमेराइज कर दो। जब इसको टोटोमेराइज करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ए एंड बी, एक तो ये तो ए है और ये आपके पास बी है, C2H2, ठीक, फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में देखें क्वेश्चन नंबर 186, यहां पर आप क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेंगे तो C6H5COOH मिलेगा, ठीक है, फिर इसमें NaOH ऐड करेंगे तो सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, C6H5CONa। अब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, सोडा लाइम, सोडा लाइम जब आप इसमें ऐड करेंगे तो यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, बेंजीन बन जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा बेंजीन। आपसे सी पूछा है ना, देखो आपसे पूछा गया, ये जरूरी है। ये कौन सी रिएक्शन है, आइसोमेराइजेशन, और जब हम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन करते हैं तो इसका आइसोमर बनाएंगे, और इसका आइसोमर कौन सा बन गया, सेकंड, ठीक। आइसोमर, आइसोमेराइजेशन में आपको आइसोमर बनाना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें कंप्लीट होती है। H2PdCaCO3 क्विनोलीन, तो ये जो कंपाउंड है आपको क्या बना के देगा बेटा, PH CH डबल बॉन्ड CH
और पीएच किस फॉर्म में मिलेगा, ये आपको सिस फॉर्म में मिलेगा। ये तो हो गया ए। और फिर KMnO4 के साथ जब इसको हम हीट करेंगे तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा तो PHCOOH आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी। आपसे क्या पूछा है, ए एंड बी, तो देख लेते हैं ए एंड बी क्या है बेटा आपके पास। सेकेंड आंसर, कौन सा आंसर आ गया, सेकेंड। ठीक है, स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, देखना है सही कथन कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। देखें तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन बनता है, मीथेन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम। सोडियम एसीटेट को अगर हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो मीथेन बनता है, बिल्कुल करेक्ट है। मीथेन इज फॉर्म्ड व्हेन आयोडोमीथेन इज रिड्यूस्ड, आयोडोमीथेन के अपचयन से मीथेन बनता है, आयोडोमीथेन का अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो मुझे मीथेन मिलता है, यह भी करेक्ट है। इथेन इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज रिएक्ट, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर, यह गलत हो जाएगा, इथेन नहीं मिलता, यह रॉन्ग है बेटा, यह रॉन्ग है, इथेन नहीं इथाइन बनता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है बेटा, तो ए एंड बी करेक्ट है, सेकेंड आंसर। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, इथाइन बनेगा, इथाइन नॉट इथेन, तो आपका आंसर आ गया सेकेंड। ठीक, 190, फ्यूमेरिक अम्ल के पोटेशियम लवण, तो देख लेते हैं, ये फ्यूमेरिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट है, इसका क्या करना आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या आंसर आएगा बेटा, इथाइन, फोर्थ आंसर आ जाएगा, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो रही है यहां पर, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा है बेटा, तो हम देखते हैं पहले तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, तो इथीन से ज्यादा प्रोपीन और प्रोपीन से ज्यादा टू ब्यूटीन। अब टू ब्यूटीन में सिस प्लस ट्रांस दोनों हैं, तो सिस और ट्रांस में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सिस का, इथीन से ज्यादा प्रोपीन में, प्रोपीन से ज्यादा टू ब्यूटीन में, टू ब्यूटीन सिस ट्रांस शो करती है, तो सिस और ट्रांस में से किस में ज्यादा होगा, सिस में ज्यादा होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि सिस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट देखना है, क्या क्या अटैच है, NO2, F, तो अपन देख लेते हैं, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर, NO2, CN, F, NH2, इसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर बनाना है। तो फर्स्ट का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट के बाद फोर्थ नंबर आएगा, फोर्थ के बाद थर्ड नंबर आएगा और थर्ड के बाद सेकंड नंबर आएगा, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, फोर्थ आंसर आ गया। इंडक्टिव इफेक्ट डायपोल मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है बेटा, ठीक है, पोलैरिटी के लिए इंडक्टिव इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस, अच्छा इस CS3 C डबल बॉन्ड O OCS3, इसके लिए मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होगा, यह पूछा आपसे, तो जो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा,
मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। तो देखिए इनमें से मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ये तो आंसर नहीं आएगा, इनमें पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पाई बॉन्ड सेम है। अब देखें यहां पर क्या है, ये भी रॉन्ग हो गया। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लुईस रूल, यहां हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्टेट इनकंप्लीट है बेटा, इनकंप्लीट ऑक्टेट है। तो ये भी कैंसिल हो गया, आंसर कैसा लगा बेटा आपके पास, थर्ड आ गया। कौन सा रूल लगा रहे हो आप, स्टेबिलिटी ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये रूल लगाओगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। इनमें पाई बॉन्ड नहीं है तो ये पहले रिजेक्ट हो गए, इनमें पाई बॉन्ड तो था लेकिन यहां ऑक्सीजन ने प्रॉब्लम कर दी, ऑक्सीजन का यहां ऑक्टेट कैसा है, इनकंप्लीट है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी इनकंप्लीट ऑक्टेट नहीं रखता, अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखता है। एक AR है, एडिशन ऑफ HBr ऑन टू ब्यूटीन, इस पर HBr की अगर हम एडिशन करवाएंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिवो रोटेटरी दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो टू ब्यूटीन पर HBr का योग दो समावयवी उत्पाद देता है, करेक्ट है ये तो, एडिशन ऑफ HBr टू टू ब्यूटीन गिव्स टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट, बिल्कुल सही दिया हुआ है, डी एंड एल। टू ब्यूटीन पर HBr का योग मार्कोनिकोफ नियम की पालना करता है, एडिशन ऑफ HBr ऑन टू ब्यूटीन फॉलोज मार्कोनिकोफ रूल, नहीं बेटा, टू ब्यूटीन कैसा है, सिमेट्रिक है, मार्कोनिकोफ रूल इस पर अप्लाई नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, थर्ड आंसर, ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, बात समझ में आ गई। कौन से टू आइसोमेरिक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस लिवो रोटेटरी। कार्ब कैटायन है, स्टेबिलिटी देखनी है, कार्ब कैटायन है, स्टेबिलिटी देखनी है आपको, तो कार्ब कैटायन स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं अपन, स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो देखें यहां पर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर प्लस एम, इसमें प्लस आई भी है, इसमें माइनस आई है, प्लस एम डोमिनेट करेगा, माइनस एम माइनस आई है, माइनस एम माइनस आई है, तो डोनर कौन से हुए, ये दो हुए, तो सबसे पहले ज्यादा डोनर कौन सा हुआ, OCS3, सेकंड फर्स्ट। यहां पर चेक करें इनमें से माइनस एम कम किस में है, थर्ड में, फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे लास्ट में जाएगी, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड पूछा है बेटा, एरोमेटिक के लिए आपके पास जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो प्लेनर हो, उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, 4n+2π अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। तो ये सब चीजें आप इसमें जब कंसीडर करते हैं तो ये एरोमेटिक है, यहां पर ये रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा, तो एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये नहीं है, ये भी आपके पास एरोमेटिक है, ये नहीं है, तो ये तो एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है, तो ए बी डी, ए बी डी फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सी क्या है, एंटी एरोमेटिक, और डी क्या है, नॉन एरोमेटिक, ये सॉरी ई क्या है, नॉन एरोमेटिक, तो आंसर क्या आया, ए बी एंड डी, ये तीनों एरोमेटिक है, जो एरोमेटिक के पॉइंट्स हैं, जो उसके रूल्स हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान रखना है बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये ध्यान रखना है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट बना के देखते हैं, फ्री रेडिकल बनाएंगे इंटरमीडिएट, तो यहां पर जब हाइड्रोकार्बन आपको दिया हो तो फ्री रेडिकल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी
ऑफ फ्री रेडिकल एच ए, ए वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि रेजोनेंस होगा यहां पर, उसके बाद आएगा बी और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है क्योंकि हमें पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए इन दोनों कार्बन के रिस्पेक्ट, ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए यहां ऑक्टेट इनकंप्लीट है, तो सबसे लास्ट में क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, तो सी में बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर बी में और ए में सबसे कम, सी बी ए। बात समझ में आ गई होगी आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्रोकार्बन के केस में हम क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इन विच डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉसिबल, इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। पिरिडिन ट्राइएथिलामीन से कम क्षारीय है, पाइरिडिन इज लेस बेसिक देन ट्राइथाइलामाइन, पाइरिडिन ट्राई इथाइल अमाइन ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां तो आपके पास sp3 है और यहां पर नाइट्रोजन कैसा है बेटा जी, sp2 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। en इंक्रीज होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, पायरिडिन है एरोमेटिक कैरेक्टर गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन इन पायरिडिन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सेकंड आंसर। ठीक, ईएन बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो यहां पर sp2 होगा, यहां पर भी sp2 होगा, यहां भी sp2 होगा, यहां पर भी sp2 होगा, लेकिन यहां पर रहेगा sp, तो देखो sp2 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 sp, सेकंड आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहा है तो आपका वो डाउट कंप्लीटली सॉल्व हो गया होगा। लगे रहें बेटा इसी तरह से, मेहनत करते रहें, जीत आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी। जय सीएलसी, थैंक यू।